मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट राबता मोहम्मद अली 03006133713 मोहम्मद उस्मान 03006171415। हमने हर दौर में तकदीसे रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़ कर सिलसिला इसमें सियासत का फसू, फक्त एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, खताबात का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। अब आपके सामने जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूं, सोजो गदाज की झलक जिनके अंदाजे गुफ्तगू से झलकती है, खुशगवार लहजे के बादशाह, मेरी मुराद अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मुकर्र शीरी बयान हजरत मौलाना अब्दुल गनी मुहम्मदी, वो आपके सामने तशरीफ लाते हैं और इस खुशगवार माहौल को मुअत्तर फरमाते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल गनी मुहम्मदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाग दे माशाल्लाह, जिंदे हो। मैं तो भी कब्रस्तान सलाम ला बैठा हैं, जवाब ही को नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनिक होर मोहब्बत करो हजरा, हिम्मत मार के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा। अरसलहुल्लाहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजं मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا
अनफुसकुम को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। हजरात तमाम किस्म दी हमदो सना, आवाज थोड़ी सेट करो, जरा बेस बंद करके दे ट्रैबल खोल के आवाज खोलो थोड़ी जी। उस अल्लाह खालिक मालिक राजिक दाता मुश्किल कुशा वास्ते खास है, जिस मालिक ने इस गए गुजरे दौर के अंदर सानू इस पिंडाल के अंदर जमा होने की तौफीक अता फरमाई है। बेशुमार लातअदा दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते ग्रामी थे इंतहाई मुख्तसर हमदो सना और दुरूदो सलाम दे बाद हजरात आज दा ये प्रोग्राम अजीम शान फकीदुल मिसाल सलाना प्रोग्राम अलहम्दुलिल्लाह अहले हदीस यूथ फोरस दे ज़ेरे तमाम और दूर दराज तो अहबाब काफलियां दी शक्ल दे अंदर इस कॉन्फ्रेंस दे अंदर शिरकत करते ने। दुआ फरमाओ अल्लाह अपनी रहमत दे नाल सब दी हाजरी अपने दरबार अंदर मकबूलो मंजूर फरमाए। उची कह दो आमीन। और इस कॉन्फ्रेंस दे रूए रवा न डर बेबाक नौजवान मोहतरम हाफिज मुहम्मद राशिद इकबाल मुहम्मदी साहेब और इना दे रूफा का और बिलखसूस बरादरे अकबर बरादरे मोहतरम फजीलतु शेख हजरत मौलाना कारी मुहम्मद अहमद साहेब उन्हां दी भी बड़ी शफकत इस कॉन्फ्रेंस के हवाले दे नाल और हजरत मौलाना हाफिज मुहम्मद अजमल शाकिर साहब मियाँ मुहम्मद असगर शाकिर साहब दीगर अहबाब अल्लाह सब दियाँ मेहनत अपने दरबार अंदर मकबूलो मंजूर फरमाए। उची कह छोड़ो आमीन। मैं पता लगे भी आमीन आले भी आए ने है। हजरात कुरान पाक जिस मुकाम तो मैं पढ़िया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान नूं मुखातब फरमाया ऐ ईमान वालियो आप भी बचो अपने घर वालियां नूं बचाओ किदे कोलों जहन्नम दी अग दे कोलों। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा जहन्नम दे कोलो बचन दा अल्लाह हुक्म इरशाद फरमा रहे ने। जहन्नम की है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क्यामत दा दिन होएगा मिलाने माशर दे अंदर जहन्नम नू लिया जाएगा सत्तर हजार ओदियां लगामा होनगियां और एक एक लगाम नू सत्तर सत्तर हजार फरिश्ते ने पकड़िया होएगा और वो जहन्नम बोल बोल के आवाजा दे दे के मालिक दे कोलों
अल्लाह दे बागी और ना फरमान मंगेगी। बेनिमाज किथे ने, वालिदैन नूं सतान वाले किथे ने, बड़िया नूं जलील करन वाले किथे ने, अल्लाह दी मुखालफत उहदे रसूल दी मुखालफत करन वाले किथे ने, और इतनी सख्त वह जहन्नम दा गड़ा जिदे कोलो अल्लाह मैनू और तुहानू बचन दी दावत और हुक्म दे रहे ने कि आप भी बचो, अपने घर वाले नू भी बचाओ, और अहले ईमान नू अल्लाह ने हुक्म दिता कि बचो जहन्नम दे कोलो। हुण वह जहन्नम दे कोलो बचन दा तरीका की है कि अल्लाह जेकर औलाद दे दे, बोलो औलाद देने वाला कौन है? जिन्हों रब ने जुबान दी वह बोले, जिन्हों तंदुरुस्ती भी दी है, बीमार ते गूंगा भावें ना बोले, जेड़ा अल्लाह नू नहीं मनदा वह भी ना बोले, ते जेड़ा मनदा ओदा खांदा, जिन्हों रब ने जुबान दी वह बोल के जरा जवाब देवे, गवाही देवे कि धियां पुत्र देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह औलाद दे दे, उस औलाद की तरबियत करो अच्छे अंदाज अंदर, कुरान अहदीस के मुताबिक करो, तो जो औलाद की तरबियत होएगी, जिवें रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, अगर बच्चा 7 साल का उन्हें नमाज की दावत दो, अगर 10 साल का हो जाए सख्ती करो, नमाज पढ़ाओ उन्हें, अगर औलाद आखे ना लगे तो असी सख्ती करने, बीवी कम ना करे सख्ती करने, कभी नमाज के मुतालक नहीं सुनिया फलाने ने बीवी नू तलाक दिती है, ये जी बद चलन है, खाना टाइम ना नहीं देंदी, कपड़े इस्त्री करके नहीं देंदी, लेकिन कभी नहीं सोचिया फला बंदे ने तलाक दिती है कि बीवी नमाज नहीं पढ़ती, पुत्र नू घरों कढ़िया, ये शराबी है, ये जुआरियां ना फिरदा, लेकिन कभी इस बुनियाद ते नहीं कढ़िया कि ये नमाज नहीं पढ़ता। आओ जे अल्लाह औलाद दे दे ओदी तरबियत करो, ते सब तो पहला नबी अली सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह औलाद देवे बेटी है बेटा ओदा अच्छा नाम रखो, जिवें दो नाम मेरे मुस्तफा ने फरमाए ने, मैनू भी पसंद ने, मेरे अल्लाह नू पसंद ने, एक अब्दुल्ला एक अब्दुल रहमान, फिर ओदा हकीका करो, फिर वह बच्चा जवान होया उन्हू अच्छे पासे लाओ, फिर जो वह बोलन जोगा हो गया ते ओदी जुबान उत्ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा कलमा जारी कराओ, विरत जारी कराओ, फिर जो बच्चा समझ जाए तो उस बच्चे नू अल्लाह दी पहचान करवाओ। तरबियत दे अंदर सब तो पहला बच्चे नू किदी पहचान करवानी है? बोलो जरा, जेड़े मन रहे हो बोलो जरा, जेड़े आयो बोलो, किदी पहचान? अल्लाह दी, के बेटा अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा भी कोई नहीं, हज तरवा भी कोई नहीं, औलाद देने वाला भी कोई नहीं, तो मिलके बोलो हाँ बच्चे नू तरबियत कर दिया, दसना कि बेटियां बेटे कौन अता करदा? एक बारी फिर बोलो हाँ कौन करदा? ऐ मल्ला नहीं बोलता जिदा ईमान ने मेरा दिल करदा, जिदा जिहड़ा अल्लाह नाल मुहब्बत करदा, जरा पूरे सीने का जोर ला के जरा ये चौंक दे अंदर ललकार पा के जरा सज्जा हत्थ चुक के बोलो हजरा धियां पुत्र कौन देंदा? बोलो जरा कौन देंदा? अल्लाह देंदा। जदों ये ईमान होएगा कि धियां भी रब देंदा ते पुत्र भी, उच्ची बोलो हाँ, तुहाडे मां बाप ने एडे सोने चेहरे वाले पुत्र किन्ने दिते ने? बोलो किन्ने दिते ने? अल्लाह ने। सब तो पहला यह तरबियत करानी है बच्चों नूं, दसना है अकीदा तौहीद बुनियाद बनानी उहदे दिल दे अंदर कि बेटा अल्लाह तो इलावा किसी नूं सजदा भी नहीं करना, अल्लाह तो इलावा किसी के सामने सर भी नहीं झुकाना, तो ईमान पूरी जिंदगी रखना कि धिया पुत्र देने वाला तो सिर्फ कल्ला अल्लाह ही है, वो इलावा कोई दे सकदा? बोलो कोई दे सकदा? नहीं दे सकदा। आइए जरा कुरान की दावत पर गौर करना, वक्त थोड़ा है, मैं इंशाल्लाह सब तो पहला बुनियाद थोड़ी जी बनन लगा अकीदे की तौहीद की, फिर थोड़ा जा के बाद दसांगा कि औलाद लैके तरबियत किवें करनी है, तो फिर तरबियत का फायदा की होएगा मेरे और तुहाडे आका इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, उची बोलो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते रब ने कुरान नाज़िल फरमाया, तवज्जो करना जरा, अजीज़ों ने मन
आ मेरे मुसलमान वीरा गौर कर दे जाना मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान आया और उच्ची शान वाले हबीब ने ऐलान फरमाया उच्चे ईमान वाले उच्चे शान वाले और सोनी अजमत वाले नबी दे कोलो रब ने ऐलान करवाया सोने ऐलान करके कह दियो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा एते आर्डर मालिक कायनात ने फरमाया आप भी बच जा घर वाले नु बचा ल अगर मौजू अजाबे जहन्नम हुंदा तेनु इहदे अंदर भी बड़िया चीजा देंदा पर इथों थोड़ा जा बात इख्तल थोड़ा जा हटा के बात करना चाहना के लोगो औलाद दी तरबियत किवें होएगी औलाद सीधे पासे किवें आएगी ओनु कुरान दे मुताबिक ओनु तालीम दित्ती जावे अपने बेटे ते बेटी दी तरबियत कीती जावे और किवें जिवें हजरत लुकमान ने अपने बेटे नु सामने बिठाया तरबियत कर रहे ने या बुनैया ला तुशरिक बिल्ला फरमाया मेरे बेटे तेनु कट दिता जाए वढ दिता जावे लेकिन ला तुशरिक बिल्ला अल्लाह दे नाल शिरक नहीं करना अल्लाह तो इलावा किसी दे सामने सर नहीं झुकाना अल्लाह तो इलावा कोई दाता कोई नहीं मुश्किल कुशा कोई नहीं हज तरवा कोई नहीं औलाद देने वाला कोई नहीं अल्लाह तो इलावा इज्जत जिल्लत दा मालिक कोई नहीं ये सारे इख्तियार ने मेरे अल्लाह दे कोल ने बोलो अल्लाह तो इलावा किसी को इख्तियार कोई नहीं अल्लाह तो इलावा इख्तियार कोई नहीं फरमाया या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह मेरे बेटे अल्लाह ना शिरक नहीं करना अबू जी शिरक की चीज है फरमाया इन शिरक ला जुल्म अजीम फरमाया बेटा शिरक अजीम जुल्म ने अपने बेटे दी इंज तरबियत करनी है यानी के अल्लाह वल बोलाना है और सब तो पहली गल ए वे औलाद देन वाला मेरा अल्लाह और बेटियां देवे ते अल्लाह बेटे देवे ते अल्लाह और जिवें वेखो ना कुरान दे अंदर मालिक ने ऐलान फरमाया फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर अव युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा तो जो करिया जे कुरान दा पंजिया पारा जे अव युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशा वकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर अल्लाह दा कुरान कह रहा है के मालिक अल्लाह जमीन आसमाना दा मालिक अल्लाह फरमाया जिन्हों मैं चाहवा तिया देवा जिन्हों मैं चाहवा पुत्र देवा अल्लाह तो इलावा बोलो कोई दे सकदा उची बोलो कोई दे सकदा इत्थे मैनूं गल याद अल्लाह ने करवाई है सैयद अब्दुल गनी शाह साहब कामो की वाले दुआ करो अल्लाह उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए उची आमीन कह छड़ो सुनना जरा अल्लाह दे वली एक जगह दे उत्ते खिताब फरमान वास्ते चले गए अल्लाह अकबर तकरीर वास्ते तशरीफ ला गए ते जिस घर पहुंचे ना उत्थे खाना खाधा ते मस्जिद दा खतीब कहन लगा शाह जी एक दुआ फरमा दिया जे कि मैनू रब ने सत धियां दित्तियां ने दुआ करो अल्लाह एक पुत्र अता फरमा देवे दुआ करो जिन्हें मजमे च बे औलाद आए ने अल्लाह सब नू नेक औलाद अता करे उची आमीन कह छड़ो दुआ करिया जे अल्लाह मैनू एक बेटा अता कर देवे ते जिन्हें खाना पकाया सी ना वह ना रह सकिया कोलों कहिंदा जी जिथे इन्हां लई दुआ करोगे मेरे वास्ते भी करिया जे इन्हां नू रब ने सत धियां दित्तियां ने एक पुत्र दी लोड़ है ते मैनू रब ने सत पुत्र दिते ने दुआ करो अल्लाह इक धी अता कर देवे ते शाह साहब दी अपनी औलाद कोई नहीं माशाला माशाला शाह मेरे वल वे तुम मेरे वाल वेखो की सजे खबे वेखन दे को अदब दावी रख्या करो कुरान की इज्जत तुहानू सारी उम्र यही कि बस सजे खबे पहलो वेख लो गल कुरान हदीस में करन दिया तो जो मेरे वर रखो जिन्हें भी आना स्टेज पर आना है मौलाना शरीफ खालसा साहब तशरीफ लाए उत्ते ही आए ने ना वेख्या करो गल कि हो रही है को थोड़ा जा अदब अपने पैदा करो
सारी जिंदगी तुहाडी लंघी जलसे सौंदिया पर तुहानू रब ने शऊर अता नहीं किया कि असीं खतीब वल तवज्जो करिए की सजे खबे वेंदे हो क्या अल्लाह दे रसूल की अहमियत बहुत ही है अल्लाह दे रसूल बहुत ही अहमियत जिहड़े बाहरों आ रहे हैं पूरी तवज्जो ना तकरीर सुनिया करो जिहड़ा बंदा तुहाडे वास्ते मेहनत करके गल लैके आउंदा उहदे वल तवज्जो करिया करो निका जिहा बाल हुंदा मूँह सारे उलोंग बाहर चुके वेखण लग पैंदे हो ध्यान करिया करो जरा वेख्या करो तुहाडे इस इलाके बहुत सुस्ती मैनू पाई जाती है अक्सर मेरा शिकवा ही रहिंदा इधर जिहड़ा भी खतीब जांदा ही कहिंदा दिल ला के गल नहीं सुनदे पूरा तलवाड़ा भाबियां दा होवे ते वजीराबाज भाबी होण ते तकरीर वरी तुसीं सज्जे खब्बे वेखो कादी साडी मुसलमानी दे कादा प्यार है वेख्या करो कुरान पढ़िया जा रहा है नबी दी हदीस पढ़ी जा रही है तवज्जो पूरी रख्या करो जरा पूरी तवज्जो दे नाल सुनो बा जरा तुहानूं मैं अल्लाह दे वली दी गल सुना रहा जिन्हां दी इस तकरीर एक आयत उत्ते 15 बंदे मसलक अहले हदीस कबूल फरमा गए सर इन्नी गल उत्ते वह कह लगा मेरिया 7 धीआं ने एक पुत्र चाहिए माशाला मुफक्कर इस्लाम वाला ना शेख मुहम्मद इब्राहिम मुहम्मदी साहब वह भी तशरीफ लाए ने हुण तवज्जो फरमाना उलमा काफी ने इंशाला लंबी फरिश्ते उलमा दी और कह लगे मैनू रब ने 7 पुत्र दिते ने एक धी की लोड़ है तो शाह साहब आप रो पे क्यों कि शाह साहब की अपनी औलाद कोई नहीं तो रोंदया कहिंदे ने अल्लाह इहदे कोल पुत्र की लोड़ है इहनू धी की लोड़ है तो दुआ उहदे कोलों कुरबान दे नहीं जिन्हों ना तू धी दिती है ना तू पुत्र ही दिता है मुहब्बत सी ना अज शाह साहब मिंबर ते आ गए धियां वाला सज्जे बह गया तो पुत्रां वाला खब्बे बह गया तो रोंदया रोंदया कुरान की इहो आया मुबारक आ गई तो अंदाज बड़ा प्यारा दे ने लिल्लाहे मुल्कु समावाते वल अर्ज कह दो उच्ची सुभान अल्लाह एक बारी फिर कह दो सुभान अल्लाह लिल्लाहे मुल्कु समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशा यह बोले मै यशा हो इनासन व यह बोले मै यशा उज़्ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यज़अलु मै यशा हो अकीम इन्नहु अलीमुल कदीर रोन लग पे कुरान पढ़ दिया आंदे ने यखलुकु मा यशा ये ते अल्लाह तेरी ही मर्जियां ने जिन्हों चाहे तू धीआं दे देना है ते जिन्हों चाहे तू पुत्र देना तो तर्जमा ही कीता आंदे ने यह बोले मैं यशा को इनासन जे धीआं देन ते आवे ते इनू 7 दे देना है तवज्जो तवज्जो व यह बोले मैं यशा उज़्ज़कूर जे पुत्र देन ते आवे ते इनू 7 दे देना है औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा जे तिया पुत्र मिला के देवे ते इन्हां नूं दे देना है आ जिहड़े मेरे सामने कुरान सुन रहे ने व याजुअल मई अशा ओ अकीमा ना दिमतिया में तो अब्दुल गनी नूं कुछ भी नहीं दिंदा ओदी वजह इन्नहु अलीमुल कदीर अल्लाह तू अलीम है तू कदीर है तेरे अलावा ना को धियां दे सकदा ना को पुत्र दे सकदा पता लगा कुरान दा फैसला रब दे वलियां दी दावत है वे कि धियां पुत्र देन वाला कौन है उची बोलो कौन है अल्लाह दी जात ए बच्चियां नू सबक देना और सुनिए जरा अजीज ने मन आ मेरे मुसलमान वीरा गौर कर दे जाना मालिके कायनात ने फरमाया कि बेटियां बेटे मैं देना लोगों अकीदा तौहीद पहली तकरीर अकीदा तौहीद और तरबीयत दे औलाद दे हवाले नाल कि बेटियां बेटे मेरा अल्लाह देना हुण वेखो ना बेटियां बेटे अल्लाह दे रहे ये सारे खजाने अल्लाह दे कोल ने आ मैं तेरी मुलाकात जमदिया जमदिया एक होर नबी नाल करा देवा ये नबी कौन ने जिन्हां दे कोल इन्हां दी 9 या 10 11 साल दी
इन्हां दी बेटी भांजी इन्हां दे कोल जिन्हों एक कमरे दे अंदर बंद कीता वे ना खाना आप दिंदे ने पानी आप दिंदे ने अज वेखिया कई दिन गुजर गए ने वेंदे ने मरियम दे अगे कई फल पए ने कदी कोई फल कदी कोई फल ना वेंदे ने ते चुप टुर जांदे ने वेंदे ने ते चले जांदे ने वेंदे ने ते चले जांदे ने अज आप किसी इलाके वल गए शामा पै गई रात दा टाइम हो गया सोची पए ने कि बेटी नूं खाने ना देना दरवाजा बंद है पता नहीं भुख की वजह तो की हाल होएगा हजरत ज़करिया पैगंबर आए ने और तलवाड़े वाले हो वजीराबाद वाले हो इर्दा गिर तो होने वाले हो अहले हदीस की दावत ते गौर करे आ जे अहले हदीस के मनहज ते गौर करे आ जे अहले हदीस के पैगाम ते गौर करे आ जे के लोगो अल्लाह की तौहीद की दम नामे ना हजरत ज़करिया अंदर आए ने आके वेखिया दरवाजा खोलिया सज्जा पैर अंदर ते खब्बा बारे वेखिया मरियम दे के ओ फल पे ने जेड़े कदी खादे नहीं जेड़े कदी वेखे नहीं हजरत ज़करिया जल्दी नाल बोले आंदे ने काल या मरियम अन्ना लकी हाजा मरियम ए पल कितों आए ने मरियम ए पल कितों आए ने और लोगो बीबी कुरान वाली मैं इंज क्यों ना कहां ए पाकिस्तानी बीबी नहीं ते कुरानी बीबी है ना अगर आज दी बीबी नु फल मिल जाए आज दी बीबी नु कुछ चीज मिल जावे ते जल्दी नाल कह देंदी तुहाडी तूफैल ते तुहाडा सदका पर अल्लाह दी वलिया हजरत मरियम जिन्नो जिदा अकीदा अल्लाह नु इन्ना पसंद आया अल्लाह ने इस बीबी दे नाम दी कुरान दे अंदर सूरा मरियम बना दित्ती है ना हजरत मरियम नु पुछिया गया काल या मरियम अन्ना लकी हाजा मरियम ए फल कित्थों आए ने हजरत मरियम जवाब देंदियां ने अल्लाह दी कसम है अल्लाह नु अल्फाज इन्ने पसंद आए ने अल्लाह ने कुरान बना के मुहम्मद ते नाजल कर दिते ने फरमा जो जवाब पुछिया गया के फल कित्थों आए ने अंत फरमांदियां ने कालत होवा मिल इंदिल्ला कालो जी फल दिते ने ते अल्लाह ने दिते ने अल्लाह तो इलावा कोई नहीं देन वाला हजराज नु इन्नी गल हुंदी है हजरत ज़करिया बड़े हैरान होए ने के बंद कमरिया जो फल पहुंचाने वाला कौन है बोलो जरा बंद कमरे फल पहुंचाने वाला कौन ने हजरत ज़करिया परेशान हो गए ने वेखिया दरवाजा बंद किया कदी सज्जे वेंदे ने कदी खब्बे वेंदे ने हजरत मरियम पुछदियां ने खालो जी खैर है कह लगे अंदर रस्ता भी कोई नहीं केड़ा अल्लाह जिन तेनू फल दिते ने हजरत मरियम फिर फोलिया आंदियां ने इन अल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब ओ अल्लाह जदो दिंदा बेहिसाब दिंदा जदो दिंदा बेहिसाब दिंदा और रस्तियां दा मोहताज नहीं जे ना देवे ते खुलियां जगह च ना देवे जे अता करन ते आवे ते बंद कमरियां च अता कर दिंदा है बोलो फल किन्ने दिते ने उची बोलो कौन दिंदा ओए अकीदा बना के बोलो कौन दिंदा अज बड़े तौहीद सेमिनार करके लोगों दे अकीदियां दा बेड़ा गर्क कीता जा रहा तौहीद दे नाम उते लोगों नु जमा करके लोगों नु कबरा शजरा ते चुकाया जा रहा अले हदीस दी दावर कुरान हदीस वाली है बोलो बंद कमरे अज फल देन वाला कौन है ओ मालिक कहन वाला कहंदा ना इंसान ते हैवान ओदा काके पल दे हवावा च ने उड़ दे जमीन ते ने चल दे कदी मालक नु पहचानो इंसान ते हैवान ओदा काके पल दे हवावा च ने उड़ दे जमीन ते ने चल दे पानियां दे विच मखलूक वसदी बिना हथ पैरा मच्छी तेज नसदी कछू डड्डू केकड़े ओ नहरी वसदे पानी विच खेल दे ते पैरी नसदे पानी दे वसिंदे वखो वख शकलां गिनती तो बार दंग रहन अकलां गोहा सप सानिया जमीन लब लई खुडा ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀ ਤਸਕੀਨ ਲੱਭ ਲਈ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਡਾ ਸੁਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਸੋਹਣਿਓ ਦੱਸਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੋਹਣਿਓ ਲੱਕੜਾ ਚ ਘੁੰਨ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਪਲਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਲਦੀ ਹਾਥੀ ਰਿੱਛ ਬੰਦਰ ਆਵਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਅਲੂੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਪਾਈਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ
अब बोलो तिया पुत्र देन वाला कौन है? वेखो बंद कमरिया दे अंदर रब ने फल दिते ने। 119 साल उम्र हो गई नबी जकरिया दी ते पांजी तरबियत करन दी अपने खालू दी। खालू जी फल देन वाला अल्लाह, बोलो अल्लाह तो अलावा कोई दे सकदा नहीं दे सकदा। आए हजरत जकरिया पैगंबर सुनना जरा, तरबियत हो रही है, चल दिया अजीज मन मेरे ते तुहाडे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हुण वेखो गल केडा कमाल नक्शा कुरान ने खिंची। हजरत जकरिया पैगंबर निकले ने आके रब दे सामने हाथ बन लैंदे ने ते रोंदिया रोंदिया कह देंदे ने वाह अल्लाह तेरी तकसीम ते कुदरत तो सदके जावा, अल्लाह बंद कमरिया च फल दई जाना ते मैं तेरे कोलो औलाद मंगदा रहा, अल्लाह तो औलाद नहीं दीती। हजरत जकरिया पैगंबर रब दे सामने रो पैंदे ने। वेखो ना गल उत्थे आ गई है कि बेटियां बेटे देन वाला अल्लाह। हजरत जकरिया पैगंबर जिस वगर रब दे सामने रोए ने अल्लाह सोनिया औलाद कोई नहीं, भावे मेरी कमर चला सोनिया भावे सर दे वाल चिट्टे हो गए ने पर अरशा वालिया तू मैनू औलाद नहीं दीती, इधर रस्ते भी कोई नहीं फल पहुंचा दिते नहीं। और अल्लाह दे कुरान ने नक्शा खिंचिया फरमाया काफ हाया आइन सौद जिक्र रहमती रब्बी का अबदहू जकरिया इस नादा हौली हौली रोंदे ने किसी नूं पता भी ना लगे केड़ी उम्र च औलाद पिया मंगना वे इस नादा रब्बहू रब दे सामने रोंदे ने अल्लाह तू दे सकना पर नहीं दिते। लेकिन अल्लाह तू वेख गल अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने खुशखबरी दे दिती है जा मेरे पैगंबर जकरिया नूं कह दे अल्लाह बेटा भी देवेगा इस्मुहू यहया, अल्लाह ने ओदा नाम यहया रख दिता। हज़रात पहली तकरीर अकीदा तौहीद तवज्जो करिया जे जरा, फरमाया अल्लाह ने बेटे दा नाम भी रख दिता है। हजरत जकरिया पैगंबर ने जो खुशखबरी सुनी है ना ते रब नू की आमदे ने कहा रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैबा अरशा वालिया रब्बा जुस्से कमजोरी आ गई है अल्लाह सर देवाल चिट्टे हो गए ने अल्लाह हुन केड़ी उम्र मैं ते वैसे गल कर बैठा। हजरत जकरिया कर गए ने जाके वेखिया ओ तेरी मेरी अम्मा हजरत जकरिया दी बीवी कमर चुक गई है हाथ जम लाठी है ना ते जाके रब दा पैगाम सुनाया आके अल्लाह वालिए अल्लाह ने फैसला किया मैं तेनू बेटा देना। अम्मा जी मुस्कुरा पई अखा च खुशी दे आंसू आ गए कह लगे अल्लाह दे नबी हुण वेखो कमर चुक गई है हुण वेखो केड़ी उम्र पुत्र लैंदी ईमान ना जरा बोल के दसो फिर रब ने पुत्र दिता सी के नहीं? जिदा ईमान है बोलो, जिड़ा ना बोले अल्लाह करे वो जिंदगी पूरी ना बोले। बोलो पुत्र दिता सी के नहीं? और बोलो दिता सी के नहीं? इन्हां दे कलेजे नूं हत्थ पाए फिर ही बोल देने ये समझ रहे फिर आशा साहब ने जलसा रखे है बस वो कला ही बोलेगा कला ही वापस बोले नहीं तुसी भी बोलिया करो तुहाडी कोई दी जरूरत है। 120 साल दी उम्र दे अंदर ईमान ना दसो रब ने पुत्र दिता के नहीं? ते कौन देंदा फिर एवं कौम गुमराह किया नहीं जो भी देंदा अल्लाह की कसम ओदे अलावा एक कारखाने दिया चाबियां किसे कोल अल्लाह दे वली पीर अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें लोग दाता साहब आंदे ने जाओ उन्हां दी तारीख उठा के देखो चार शादियां उन्हें कीतियां ने पहली कीती औलाद कोई नहीं दूजी कीती औलाद कोई नहीं तीजी कीती औलाद कोई नहीं चौथी कीती औलाद कोई नहीं पता नहीं रब ने इसे वास्ते नहीं दिती कि कल तेरी कबर ते लोगों ने आके मंगना है सवाल करना लोगों ने आके जिन्हों चार बीवियां कीतियां रब ने औलाद जिंदगी च नहीं दिती। ईमान ना दसो जो फौत हो गए ना किसी ने औलाद दे सकते ने? वो बोलो दे सकते ने? एवं एक बंदा भुलिया कमला कह लगा मेरी शादी नहीं होंगी उन्हें कहा दाता साहब जाके देख दे ते अपनी अम्मी नूं नाल लै जाई ते जा क्या की दाता मेरी बीवी चाहिए है मैं बीवी चाहिए तीन बारा कवी बीवी चाहिए नाल मिठे चौलों ही देख दे। वो अपनी अम्मी नूं लैके देख लैके चला गया जाके देख दे दीती अगर देख वरतांदा रहा पिछे आया रश सी अम्मी अगे पिछे हो गई बेचारा तीन दिन लभदा रहा अम्मी लभी बोलो पिछो बा भी फोन करे वो किथे वे रोंदा रोंदा वाह दाता तेरी खुदाई अपनी दे लभी कोनी अबे दी भी गवाई है
और जो रब दे कोलो मंगोगे उस मालिक दे बूहे ते आओगे ओदी चौकड़ ते आओगे कदी शर्मिंदगी दा मुजाहरा नहीं करना पड़ेगा। पता लगा धिया पुत्र देन वाला कौन है, बोलो बोलो एक बारी जरा कौन है। आओ मैं आखिर अंदर बात खत्म करना चाहना, अल्लाह औलाद दे दे ते औलाद दी तरबियत करनी। इको ही बात अर्ज करा जांदा जांदा तरबियत दी औलाद किवें दी तरबियत करनी है। आ तेरी मुलाकात एक अल्लाह दे वली ना करावा कौन, हजरत पीर अब्दुल कादर जिलानी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। करो चले ना जो तवज्जो करना जरा अजीज मन, आ मेरे मुसलमान वीरा गौर कर दे जाना, बल्कि कायनात ने ऐलान फरमाया आप भी बचो अपने घर वाले नु बचाओ कितों जहन्नम दी अग दे कोलो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगो आप भी बचो घर वाले नु बचाओ ना। हुण बचन दा तरीका मैं तुहानू थोड़ा जिहा अर्ज करना चाहना आखिर दिन ताकि गल समझ दे अंदर आ जावे। वेखो ना पीर अब्दुल कादर जलानी रहमतुल्लाह अलैह सीरत वेखो ना, आपका किरदार गुफ्तार उस अल्लाह दे वली दा तकवा तहारत वेखो ना। हजरत पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जदों अल्लाह ने अता इन्हां दी वालदा नूं कर दित्ते ने उम्र 10 या 12 साल हो जांदी है ना, ते पीर अब्दुल कादर जिलानी अज किसी सफर ते चले ने ते मां आवाज दिंदी है मेरे बेटे अब्दुल कादर। कौन कहिंदा अहले हदीस अल्लाह दे वलियां नूं नहीं मंनदे, कौन जिहड़ा इल्जाम लावे कि अहले हदीस वलियां नूं नहीं मंनदे। ओ लोगो हर अहले हदीस अल्लाह दा वली है, हर अहले हदीस अल्लाह दा वली है, हर नबी रब दा वली है। हर वली नबी नहीं हुंदा बल्कि हर नबी रब दा वली हुंदा वे ना। आओ अहले हदीस दे नजदीक आओ ना, अल्लाह दे वलियां दी शान सुनो ना। जेड़ा वलियां दा एहतराम नहीं करदा अहले हदीस नु मोमिन ही नहीं मनदा, असी तो मुसलमान नहीं मनदे। लेकिन वली कौन है ना, वली ओ हुंदा नमाज दा पाबंद होवे, शरीयत दा तशरीयत मनन वाला होवे। वली कौन होंगे जेड़ा जनाब जरा चेहरा सुनने के मुताबिक होवे, लिबास सुनने के मुताबिक होवे, जेड़ा अजाम का एहतराम करे, नमाज का एहतराम करे, अल्लाह उस रसूल की दावत देवे, ते जेड़ा रब रसूल तो लोगों को डरावे, लोगों को नमाजा तो बचावे। और रब दा वली नहीं होंगे, वेखो ना पीर अब्दुल कादर जिलानी रब दे वली ने घरों चले ने ते मां ने आवाज दिती मेरे बेटे अब्दुल कादर, मेरे बेटे अब्दुल कादर जी जी अम्मी जी। फरमाया तू सफर ते जा रहे आवे मेरे बेटे आसमान तू बन ले आवे, कुछ अशरवियां दिरमो दिनार दिते ने, जड़ी कमीज दी जेब अंदर वाली जेब है ना ओदे अंदर अशरवियां पा लिया ने। सफर ते चले ते मां ने कोल बिठाया, कह लगी मेरे बेटे तू सफर ते चलना मेरा दिल करदा है तेनू रब दा कुरान सुना देवा। हुण वेखो मां कुरान सुना रही है, बेटा रस्ते दे अंदर परेशानी आएगी तंगी आएगी, पर बेटा झूठ नहीं बोलना, सच छड़ना नहीं, झूठ बोलना नहीं। दे मां नाल कुरान सुना रही, मां कह रही सोने नबी दे सीने ते कुरान आया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा युसलिह लकुम आमालकुम। मां ने कुरान सुनाया, पुत्र जिस नबी दा सा कलमा पढ़िया उस नबी ने कदी झूठ नहीं बोलिया, बोलो सोने नबी ने कदी झूठ, जिदा ईमान है बोलो सोने नबी ने कदी झूठ नहीं बोलिया, सोने नबी ने कदी झूठ नहीं बोलिया। ते बेटा तू भी झूठ ना बोली। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मां दी तरबियत टुर सुन के टुर पिंदे ने, ते चलदिया चलदिया रस्ते दे अंदर सफर करदिया जंगल बियाबान आया, रस्ते दे अंदर डाकुआ ने घेर लिया। डाकू कहन लगे कढ दे जो कुछ है ना, जिवें अज भी करदे ने कढ दिओ जो कुछ है ना। शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सारा समान रख दिता, ते डाकुआं दा सरदार कहन लगा होर तेरे कोल चीज केड़ी है, कमीज दे विचों दिरमो दिनार कढे सामने पेश कर दिते हमने। ते डाकुआं दा सरदार कहन लगा बच्चिया अजे तेरे दिनार नजर नहीं सना रहा, अगर तू कहंदा मेरे कोल दिनार कोई नहीं झूठ बोल दे हुंदा तेरे दिरमो दिनार बच जाने सन। हजरत अब्दुल कादर जिलानी जवाब दिंदे ने मैं दिनार वल वेखा के मुहम्मद ते आउण वाले कुरान वल वेखा, जिहड़ा नबी ते कुरान आया मैं कुरान वल वेखा के दिरमो दिनार वाल वेखा। एहो जे करोड़ा दिरमो दिनार होन मैं मुहम्मद दी जुत्ती दी खाक तो कुर्बान कर देना। मेरी मां ने तरबियत कीती सी बेटा कुछ भी हो जाए झूठ बोलना, बोलो झूठ। असी किन्नी कु बच्चे तरबियत करने, असी ते आप झूठ दी दावा देने, बाहर को पैसा लैन आ जाना
ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਬੂ ਘਰ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਝੂਠ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓਗੇ ਕਿਵੇਂ ਔਲਾਦ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗੀ? ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਲਮੋ ਦਿਨਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨ ਬੋਲੋ ਈਮਾਨ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਅਬਦੁੱਲਾ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਅਬਦੁੱਲਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਅੱਲਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਘਾਹ ਜਵਾਰ ਉੱਗੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ? ਤੋ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਫੜਿਆ। ਕਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਓਏ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਕ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਖੜਕ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਵੇ ਜਾਵਨ ਵਾਲਿਓ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮੀ ਆਇਆ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੋਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐ ਮਾਈ? ਰੋ ਕਰ ਬੋਲੀ ਵੇ ਕਮਲਿਆ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅਯੂ ਅਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਐ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਕੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ ਵਾਹਲੀਕੁਮ ਨਾਰਾ, ਆਪ ਵੀ ਬਚੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਨਾਰਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ? ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਛੇ ਅਮਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੌਜੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਕੀਆ ਹਿੱਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਮਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਕੂਕ ਉਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤੀਬ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ 17 ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਬਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਿਆ ਜੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੂਕ ਉਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਫਕੀਰਾਂ ਨਾ ਆਏ ਸਦਾ ਕਰ ਚਲੇ ਬਾਈਓ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹਮ ਦੁਆ ਕਰ ਚਲੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ।